कहता हूँ एक कुर्सी तो दिल्ली में भी खाली है ना, शिक्षा मंत्री के दफ्तर में शिक्षा मंत्री की, उस कुर्सी पे कौन बैठेगा, उस कुर्सी पे बैठ के काम कौन करेगा। और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे डिबेट करना है तो एक दिल्ली वाले से कर लो, 10 सवाल पूछे हैं और चुनौती दे रहा हूँ सिसोदिया जी को, जगह भी आपकी और टाइम भी आपका। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे खुल के चर्चा करते हैं, कितने टीचरों के पद खाली हैं, कितने बच्चे 9वीं में फेल हुए, कितने बच्चे 11वीं में फेल हुए, 2000 करोड़ का बजट क्यों लैप्स हो गया, स्पोर्ट्स के मैदान क्यों कम हो गए, लाइब्रेरी क्यों कम हो गई, साइंस के लैब क्यों स्कूल के बच्चों के लिए कम हो गए हैं, क्यों कोरोना में भयानक पलायन दिल्ली के लोगों की मजबूरी हो गई, क्यों देश में सबसे ज्यादा मौतें कोरोना में दिल्ली के अंदर हुई है, इनके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। वो नहीं कर रहे हैं, वो तो यूपी की कमियां निकाल रहे हैं। उसके लिए कपिल मिश्रा उनके पीछे पड़ा रहेगा और लगातार दिल्ली की जनता के सवाल उनसे पूछता रहूंगा।